Hello and welcome you all to English with Sana. And today we are going to study a poem, A Photograph by Shirley Tolson from your book Hornbill. So इस poem में poet जो है वो अपनी mother की old photograph देखती है जब उनकी mother 12 साल की थी और वो relive करती है उन memories को और अभी उनकी mother की death हो चुकी है तो वो दुखी है उस बात से और वो express नहीं कर पा रही अपना दर्द और अपना grief. तो वैसे ही इस पोएम में वो बताती हैं कि कैसे जो उनका फेवरेट पास टाइम था अपनी मदर को हंसते हुए देखना, वैसे ही उनकी मदर का फेवरेट पास टाइम था बीच पर जाकर पेडलिंग करना, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेन पेडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So jo poet hai wo apni mother ki ek photograph dekh rahe hain जो कि एक कार्डबोर्ड में स्टिक है. जैसे कि पहले ज़माने में कार्डबोर्ड यूज़ किया जाता था, अभी तो हम फोटो फ्रेम्स यूज़ करते हैं, पर कार्डबोर्ड में फोटोज चिपकाए जाते थे. तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कैसे इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक फ्रेम है. सो वैसे वो अपनी मदर की फ़ोटो जो है वो कार्डबोर्ड में देखते रहती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि कैसे जो उनकी मदर की जो दो कजिन्स हैं वो पैडल करते रहते हैं, मीन्स वाटर में अपने फीट को मूव करते रहते हैं, और दोनों ने मदर के दोनों हाथों को पकड़ रखा है, एक एक हाथ को. एंड शी द बिग गर्ल, मतलब वो अपनी मदर के बारे में बता रही हैं कि उनकी मदर अपनी दो कजन से बड़ी थी, मतलब वो 12 इयर्स की थी. एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. सो जब वो घूमने गए थे सी पे, बीच पे, तब अंकल जो है उनके वो उनका स्नैपशॉट क्लिक कर रहे थे, उनकी फोटो खींच रहे थे. तो वो तीनों जो है एकदम स्टिल थी, जैसे हम फोटो खींचवाते समय एकदम स्टिल रहते हैं ताकि हमारी फोटो अच्छी आए. तो वो तीनों बिल्कुल स्टिल हो गई थी, शांत, और स्माइल कर रही थी अपने हेयर्स को हटाते हुए अपने चेहरे से. एंड अ स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. सो ये फोटो तब खींची गई थी जब पोएट्रिस का जन्म नहीं हुआ था, पोएट जो है बर्थ नहीं लिया था उन्होंने. तो डिस्क्राइब कर रही हैं कि अपनी मदर का फेस, कि वो कितना स्वीट सा फेस था, स्माइलिंग फेस था. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. फिर वो बता रही हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, दैट इज टेरिबली ट्रांजिएंट. सो ये फीट के लिए यूज किया गया है. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट तो नहीं होते हैं, बट टेरिबली ट्रांजिएंट अपनी मदर के बारे में यूज किया गया है. ट्रांजिएंट मीन्स जो शॉर्ट समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है. तो वो बता रही है कि उनके फीट, मतलब मदर जो है वो कैसे चेंज हो गई हैं, बट सी जो है अभी भी वैसा ही है. सो इसलिए यूज किया गया है कि सी अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, पर उनकी मदर जो है वो अभी चेंज हो गई हैं. तो फीट को जो है मदर की तरह यूज किया गया है. सो लेट्स रीड आउट द सेकंड सेंसा. Some 20-30 years later, she would laugh at a snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, my is her laughter. Both wry with the labor years of loss. So in lines में poet ये बोलना चाह रहे हैं कि अपनी mother के बारे में बता रहे हैं कि उनकी mother भी कभी उस cardboard में लगी photo को देखकर बताया करती थी कि देखो Betty and Dolly, ये मेरी कजन्स हैं, और हम कैसे तीनों बीच पर घूमने जाया करते थे, और हमें कैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हमें ड्रेसअप किया करते थे कि हम घूमने जा सकें बीच पर. तो वही बता रही हैं कि जब वो फोटो ली गई थी उसके 20-30 साल के बाद उनकी मदर भी उन फोटोज को और उन कार्डबोर्ड पे लगी मेमोरीज को देखकर खुश हो रही हैं, लाफ कर रही हैं, और उन्हें नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, मतलब वो उन मेमोरीज को रिलीव करना चाह रही हैं. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माय इज हर लाफ्टर. तो इसमें यही बताया गया है कि जो सी हॉलीडे था
उसे देखकर उसकी मदर याद किया करती थी, तो वो उनका पास था और पोएट का पास था कि उनकी मदर को हंसते हुए देखना, क्योंकि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, शी इज डेड। सो मदर का पास था जो सी हॉलीडेज था, और पोएट का पास्ट है मदर का लाफ्टर। सो दोनों ही अपने पास्ट को, जो लॉस हो चुका है, उसे देखकर बहुत ही दुखी हो रही है। तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, दैट इज लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज एक ऑक्सीमोरॉन है, दोनों जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब वो जो अपना पास्ट का जो जो वापस नहीं आ सकता, तो वो उन्होंने पास्ट लूज कर दिया है। तो वही बता रहे हैं कि कितने लेबर करके, कितने मेहनत से वो स्ट्रगल कर रही हैं उन पास्ट मेमोरीज को भुलाने की, बट वो इस ईज के साथ भी हैं, वो खुश भी हैं कि वो इसे एक्सेप्ट भी कर रही हैं, कि वो मिक्स्ड इमोशन शो कर रहा है कि उनको बहुत टाइम लग रहा है मूव ऑन करने के लिए, एंड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ लेबर इन देयर पार्ट। तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए, बट साथ साथ वो ईज के साथ भी है, मतलब वो खुश भी हैं कि वो पास्ट कितना अच्छा था और वो एक्सेप्ट कर रही हैं उस बात को। सो लेट्स रीड आउट द थर्ड सेंजा। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो इन लाइंस में पोएट ये बोल रही हैं कि उस गर्ल के बारे में, मतलब अपनी मदर के बारे में बोल रहे हैं कि इस फोटोग्राफ में जो गर्ल थी वो उस समय 12 साल की थी, और अभी जब वो अपनी मदर को याद कर रही हैं तो उनके मदर की डेथ हुए 12 साल हो चुके हैं। तो ये लाइफ एंड डेथ का जो आयरनी है वो शो कर रही हैं, कि कैसे वो जब फोटो में थी तो भी वो 12 साल की थी, और वो जब अपने उन्हें याद कर रही हैं तो उनकी डेथ को 12 साल बीत चुके हैं। एंड ये जो सर्कमस्टेंस है कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, और वो अपनी मदर की जो लाफ्टर है, उनकी खुशी है, उनको देख के उस फोटोग्राफ से याद कर रही हैं, एंड देयर इज नथिंग टू स्टे एट ऑल, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो अपना जो दर्द है, अपना ग्रीफ है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, एंड इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो इस वर्ड का मतलब है कि साइलेंस डेथ को शो कर रहा है, और अपनी मदर की डेथ के कारण वो इतनी दुखी है कि वो भी साइलेंट हो गई है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रही है उस दुख के कारण। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि साइलेंस जो है उसने और भी साइलेंस कर दिया है, और भी साइलेंट कर दिया है पोएट को। सो इस पूरे पोएम में थ्री फेजेस लाइफ के बताए गए हैं। फर्स्ट फेज में जो है गर्ल का, जो बताया गया है कि मदर उनकी गर्ल थी, तब बताया गया है कि वो चाइल्डहुड में कैसे एंजॉय किया करती थी, बीच पे जाती थी खुशी से। एंड सेकेंड फेज जो है उसमें अडल्टहुड को बताया गया है, जो पोएट है उनके मदर है उनके बारे में। एंड थर्ड फेज में डेथ को शो किया गया है, जो कि एक इटर्नल ट्रुथ होता है, बट उस डेथ से हमें लाइफ में लॉस होती है अगर अपने नियर एंड डियर वंस को लूज कर देते हैं। तो यही बताया है कि इस पोएम के थ्रू वो अपने मदर को ट्रिब्यूट दे रही हैं, कि वो कैसे अपनी मदर को, जो खुश होते हुए उनका लाफ्टर देख के पोएट भी बहुत खुश होती थी, और वो एक तरफ अपनी मदर का पास्ट बता रही हैं कि वो बीच पे जाकर खुश होती थी, और वो अपना पास्ट भी बता रही हैं कि कैसे पास्ट में जब उनकी मदर जिंदा थी तो वो उन्हें देखकर खुश होती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड ऑफ द पोएम, एंड यस आई फॉरगॉट अबाउट द पोएट्री डिवाइस। सो हियर साइलेंस साइलेंसेस, इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है, एस एंड एस इज रिपीटिंग। एंड आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन द लिटरेरी डिवाइसेज और फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज इन द पोएम्स। और अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेज के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप जो है आई बटन ऊपर जो शो कर रहा है स्क्रीन के, उसे आप देख सकते हैं एंड आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट टू अदर्स एज वेल। और जैसे कि मैंने बोला था कि लिटरेरी डिवाइसेस पे जो एक वीडियो है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, क्लिक ऑन द आई बटन अबव। थैंक यू।